नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ भद्र योग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुंडली में जब भद्र योग बनता है तो उसका अपने हाथ में किस तरह से आप देखेंगे कि कौन सी रेखा भद्र योग बनाती है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मैं ये हाथ में लाइन ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले भद्र योग के लिए जो हम देखते हैं वो है ये बुद्ध की जो उंगली है ये बिल्कुल साफ क्लीन होनी चाहिए, गुलाबी पन लिए होनी चाहिए और इसके नीचे जो बुद्ध का पर्वत है ये काफी उन्नत और बलिष्ठ होना चाहिए। और साथ ही साथ यहां अगर कोई छोटी रेखाएं बनी हो इस जॉइंट लाइन मतलब छोटी वाली उंगली के जो जॉइंट लाइन के नीचे अगर छोटी रेखाएं बनी हो तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अब बताते हैं कि रेखा कहां से निकलती है भद्र योग की। भद्र योग की जो रेखा है बहुत लोगों के हाथ में जीवन रेखा से निकलती हुई सीधा बुद्ध के पर्वत की ओर जाती है, बहुत लोगों के हाथों में चंद्र से निकलती हुई बुद्ध के पर्वत की ओर जाती है और कभी कभी ये बिल्कुल हाथ के हथेली के सेंटर से मतलब जहां से ये भाग्य रेखा होती है भाग्य रेखा से होती हुई भी ये ऊपर की ओर जाती है। तो जिनके हाथ में ये भद्र रेखा है या बुद्ध की रेखा है वो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत तार्किक होते हैं। इनको तर्क में हराना बिल्कुल असंभव है, इनके पास हमेशा हर सवाल का जवाब होता है। ये दिखने में बहुत मासूम किस्म के होते हैं, इनका चेहरा बहुत बच्चों जैसा होता है, मतलब कि ये काफी उम्र तक जवान बने रह सकते हैं। भद्र योग वाले जो होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन लेवल है मतलब बात करने की जो उन लोगों की क्षमता है वो अति उत्तम होती है। ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे कम्युनिकेटर, लिंग्विस्ट, अच्छे संवाददाता, जर्नलिस्ट, अच्छे पब्लिशर, जो लोग पुस्तक प्रकाशन में हैं, और इनको कला जगत की काफी अच्छी नॉलेज होती है। ऐसे लोग कईयों के हाथ में ये भद्र योग की जो रेखा होती है मतलब बुद्ध की जो रेखा होती है कई एक्टर्स के हाथ में मैंने देखे हैं, कई सिनेमेटोग्राफर्स के हाथ में मैंने देखे हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं बिजनेस में भी काफी पारंगत होते हैं। ये लोग काफी कम उम्र से ही बिजनेस को समझ लेते हैं कि किस तरह से कम मुनाफे में इन्वेस्ट कर उसे सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। तो अगर आपके हाथ में ऐसी बुद्ध की रेखा है और कुंडली में भी ऐसा भद्र योग बनाती हो तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोग काफी फेमस हो सकते हैं और ये लोग काफी टैलेंटेड होते हैं। कई कई एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉट्स और समझ लीजिए खगोल विद्या में जो लोग पढ़ाई करते हैं वो लोग के हाथ में भी मैंने ऐसी रेखाएं देखी। भद्र योग जो होता है ये बुद्ध का पर्वत जिसका जितना बलिष्ठ होगा भद्र योग का जो प्रभाव होगा वो उतना ही अच्छा और प्रभावशाली होगा। बुद्ध की रेखा जिसकी जितनी स्ट्रांग होगी ऐसे लोग मैनेजमेंट में, बिजनेस करने में और मैन पावर को सही से यूज कराने में काफी पारंगत होते हैं। इन लोगों का जो सबसे प्रिय रंग होता है वो होता है हरा। ये लोग हरा पहनना पसंद करते हैं और हरा रंग जो होता है इनके लिए काफी सुटेबल भी होता है। जब कुंडली में उच्च के बुध विराजमान होते हैं तब भद्र योग का निर्माण होता है। अब उच्च के बुध जो है वो कन्या राशि में होते हैं और बुध का मूल त्रिकोण भी कन्या राशि है और स्वगृह भी कन्या राशि है। उसके अलावा जब बुध मिथुन राशि में विराजमान होते हैं तब भी भद्र योग का निर्माण होता है। अगर ये दोनों राशि मतलब मिथुन और कन्या केंद्र स्थानगत हो या त्रिकोण स्थानगत हो तो ऐसी अवस्था में भद्र योग का विशेष विशेष फल मिलता है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में
बहुत सोच समझ के और पूरे प्लानिंग के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं, और इनके अंदर लोगों को समझाने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब इनको बहुत अच्छे तरह से आती है। ये लोग लोगों को भी बात को समझाने या मनवाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य भद्र योग के बारे में। या आपके हाथ में जरूर देखें कि ऐसी रेखा कोई बनती है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि हर सेशन में एक मैं मेरे सब्सक्राइबर का पाम पिक लूंगा, आपके हाथ की एक तस्वीर लूंगा और उसे एनालिसिस करूंगा। तो ये एक मेरे अच्छे सब्सक्राइबर की हाथ की तस्वीर है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक हृदय रेखा स्पष्ट है, साथ में मस्तिष्क रेखा भी काफी स्पष्ट है, और ये एक तरह का जीवन रेखा जिसमें बहुत सारी शाखाएं भी बनी हुई है। एक यहां से भी शाखा बनी है, एक ये यहां से भी निकली हुई है रेखा। सबसे प्लस पॉइंट जो इस हाथ में आप देख सकते हैं, इनके दो भाग्य रेखाएं हैं। एक भाग्य रेखा सीधा यहां से निकलती हुई, जीवन रेखा से निकलती हुई मस्तिष्क रेखा में खत्म हो गई है, और दूसरा जो भाग्य रेखा है वो दोबारा मस्तिष्क रेखा से स्टार्ट होती हुई बिल्कुल शनि पर्वत के नीचे जाके रुक गई है। तो ये साइन जो दिखाता है, ये भाग्य रेखा मतलब इनके जो इनके साथ जो इनका किस्मत है बिल्कुल इनके साथ है। ये जो भी करते हैं बिल्कुल फोकस के साथ करते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इनके हाथ में ये है, देखिए अभी भी जो मैंने बताया भद्र योग के बारे में, कि हाथ में अगर ये बिजनेस लाइन या बुध की रेखा हो तो इंसान बिजनेस में काफी पारंगत होता है। अगर ये अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का जॉब की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोग मैनेजर अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे मैनेजर होते हैं। तो यहां पर आप देखिए दो रेखाएं हैं, एक जीवन रेखा से निकलती हुई बुध की लाइन, एक जीवन रेखा से निकलती हुई बुध की रेखा, दूसरी भाग्य रेखा से निकलती हुई बुध की रेखा। तो दोहरा लाइन का मतलब है ये जॉब के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस भी करेंगे, और इतना ही नहीं ये दोनों ही काम में सक्सेसफुल होंगे। क्यों? इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इनके हाथ में बिल्कुल सीधी सूर्य रेखा है जिसे अपोलो लाइन कहते हैं। और सूर्य रेखा के साथ साथ देखिए दोस्तों, यहां पर जो है इनकी सूर्य की जो उंगली है यह ज्यादा ऊंची है। इस जॉइंट में आप देख सकते हैं इनकी सूर्य की जो उंगली है बृहस्पति की उंगली से बिल्कुल थोड़ी सी ऊंची है, बहुत ही प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ बृहस्पति के माउंट में एक और दो क्रॉस बने हुए हैं। तो मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, या फिर ऐसा हो सकता है आपको सरकारी नौकरी मिल चुकी होगी, क्योंकि साथ में आपके जीवन रेखा के साथ एक ठीक उसके बगल से एक रेखा निकली हुई है जिसको मंगल की रेखा कहते हैं या सपोर्टिव लाइन कहते हैं। सपोर्टिव लाइन के साथ उसको इन्फ्लुएंस करने वाली और एक सपोर्टिव लाइन है। मतलब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि आपको सरकारी नौकरी लगेगी ही। अगर आप सरकारी नौकरी के इच्छुक नहीं हैं, किसी भी तरह का खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जरूर जरूर कर सकते हैं और आप काफी सक्सेसफुल होंगे। आफ्टर 35 से लेकर 50 साल के बीच आपके पास बहुत पैसा आएगा। आप समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी सोच रखा है या जो कुछ भी प्लानिंग कर रखी है वो 100% आपको मिलेगा ही। और एक रेखा देखिए दोस्तों यहां पे बन रही है चंद्र के पर्वत से निकलती हुई, ये जीवन रेखा के साथ मिल जा रही है। मतलब यहां पे देखिए जीवन रेखा की दो तीन शाखाएं जो निकली है उस शाखा में ये चंद्र रेखा मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो हाथ में अगर ऐसी चंद्र के ऊपर रेखाएं हैं, साथ में यहां पे एक फिश का साइन भी दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं।
तो डेफिनेटली मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके पास खूब पैसे के साथ साथ आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये जो उनका हाथ है मेरे सब्सक्राइबर का, ये काफी पॉजिटिव साइन लिए हुए है और आप जिंदगी में 100% सक्सेस होंगे। आपने जो कुछ भी सोच रखा है वो आपको जरूर और जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।